नमस्कार, इंडिया 24 7 लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की अहम। 2022 के होने वाले चुनाव में जनता की राय के अनुसार एक बार फिर भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी को मिल सकता है मौका। जी हां, उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के चुनाव के मद्देनजर आज हमारे संवाददाता ने रायबरेली जिले के हरचंदपुर विधानसभा के अंतर्गत कई गांवों का सर्वे किया, जहां पर लोगों की राय जानी। इस चुनाव में जनता का अहम मुद्दा है महंगाई। लोगों ने भाजपा सरकार पर महंगाई को लेकर अब विरोधाभास नजर आ रहे हैं। जब मीडिया कर्मियों ने अन्य पार्टियों के विषय में भी लोगों से चर्चा की तो लोगों की पहली पसंद रही समाजवादी पार्टी, वहीं दूसरे नंबर पर थी कांग्रेस, जबकि भाजपा सरकार के विरोध में लोगों को आक्रोश व्याप्त है। अब देखना यह है कि होने वाले विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर सिमट कर रह जाता है, किस राजनीतिक पार्टी को लखनऊ की कुर्सी पर विराजमान होता है। परंतु लोगों की राय के अनुसार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बन सकती है अखिलेश सरकार। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए देखिए राम सुमेर की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राम नरेश। कहाँ के रहने वाले हो? और बता दो। 2022 का चुनाव आने वाला है। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? सपा। क्या आप लोगों की जो एक और लहर चल रही है आप लोगों के बीच में कि अब की बार अखिलेश यादव को इसकी सरकार बनानी है, तो क्या लगता है आप लोगों को कि सरकार बन जाएगी? पूरी उम्मीद। कितनी सारी सीटें जीतेगी सपा? 304 यादव से ज़्यादा। जबकि विकास का कार्य तो अगर भाजपा गवर्नमेंट में अधिक हुआ है, मगर इस सरकार भाजपा सरकार में महंगाई बहुत है, तो इससे अच्छा तो फिर कांग्रेस भी तो है। कांग्रेस ने बहुत काम किया है लोग कहते हैं। हाँ, कांग्रेस भी अच्छा काम किया। कांग्रेस की ही बनाई पे तो ये सब खिला रहे हैं, खेल रहे हैं। फिर आप सपा को क्यों जो है लाइक कर रहे हैं? साहब के धरातल में जैसे 100 नंबर है, एम्बुलेंस है, ये धरातल इसकी